बात बोलेगी कि नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम लोग गांधी के दूसरे बड़े आंदोलन सिविल नाफरमानी के बारे में बात करेंगे। सिविल नाफरमानी मूवमेंट गांधी के जीवन का ही नहीं, हमारी आज़ादी के लड़ाई का भी एक तरह से एक विभाजक लाइन है, जिसके पहले का मामला अलग चलता है, जिसके बाद का मामला एकदम अलग चलता है। और ये चीज़ें हम और भी चीज़ों में देख सकते हैं, सिर्फ उस आंदोलन के मामले में नहीं। गांधी पूर्ण स्वराज की मांग के सपोर्टर नहीं थे, स्वराज का मतलब उनका काफ़ी बड़ा था, सिर्फ पॉलिटिकल आज़ादी नहीं थी। लेकिन जो कांग्रेस के नौजवान, खास तौर से उनके असहयोग आंदोलन के बाद जो नौजवान पीढ़ी उभर के आई, वो सब लोग पूर्ण स्वराज के वकालत करते रहे और बार बार नेहरू, सुभाष, इन सब की तरफ से जो दबाव बना, उसके बाद कांग्रेस ने 29 में पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को कबूल किया और एकदम नया माहौल हो गया। गांधी उसके खिलाफ थे पहले, लेकिन गांधी ने भी उस बात को माना और फिर चीज़ें एकदम बदल गईं। गांधी ने उसके बाद तैयारी की एक नए आंदोलन की और सबको लग रहा था कि इस प्रस्ताव के बाद बार बार चीज़ें अब दूसरी तरफ इशारा कर रही हैं और गांधी कोई बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जब उनसे पूछा कि क्या मुद्दा हो सकता है, तो उन्होंने कहा कि अभी मेरे दिमाग में कुछ ऐसा नहीं आ रहा है, जो ईश्वर का आदेश होगा वो मैं मानूंगा, अभी ईश्वर ही मुझे कुछ संदेश ऐसा देगा। और थोड़े ही दिनों में गांधी ने नमक के मसले पे आंदोलन करने की कोशिश की, प्रस्ताव कांग्रेसियों के सामने रखा। और जिस तरह से उनके पहले प्रस्ताव पे कांग्रेसी और तब के बड़े नेता असहमत थे, नमक के सवाल पे तो सब मजाक उड़ा रहे थे, सबको लग रहा था कि नमक भी कोई मुद्दा बनेगा जिससे, और ये जो नए लोग थे राजेंद्र बाबू और सुभाष और नेहरू और कृपलानी, इन सब को लग रहा था कि ये क्या मसला हुआ, लेकिन देखना चाहिए क्योंकि हमारा लीडर ऐसे सवाल नहीं उठाता है, ये कुछ सोच समझ के उठाए हुए हैं, जो भी नतीजा होगा हम लोग अपने से कोशिश करेंगे और नतीजा पाएंगे। तो नमक के सवाल पे उन्होंने जैसे नमक का सवाल ऊपर किया, वैसे ही मुल्क में एक नए तरह का मजाक, नमक जो है बहुत स्पेशल चीज़ है, इसको आपको समझना अगर हो तो, पहले बिहार में गाड़ियाँ जाती थीं या मुल्क की गाड़ियाँ जाती थीं कोयलांचल में सामान लेके अलग अलग तरह की, और वहाँ से लौटते समय जब ट्रक खाली होगा तो लोग कोयला लाद लेते थे उस पर। ठीक यही हाल इंग्लैंड से व्यापार में हमारा था, यहाँ से हमारी सारी चीज़ें वहाँ इंग्लैंड लद के जाती थी, उधर से जब जहाज़ खाली आते थे तो उस पर नमक लाद लिया जाता था, और नमक इसी तरह का प्रोडक्ट था। और देश में जो नमक उत्पादन का सिस्टम था, अंग्रेज़ों ने उसको पूरी तरह से कुचल दिया था, पूरा ख़त्म कर दिया था। बंगाल और उड़ीसा में बड़े पैमाने पर नमक बनता था, पहले गांव-गांव में नमक बनाने का प्रोसेस था, लेकिन समुद्री नमक बनाने का भी प्रोसेस काफ़ी था। अंग्रेज़ों ने नमक का व्यापार पूरी तरह से अपने हाथ में कर लिया था और उससे भी बड़ी लूट करते थे, बाकी व्यापार से उनकी जो कमाई थी वो करते ही थे, नमक पे टैक्स और नमक की कमाई ये उनके लिए काफ़ी रेवेन्यू का बड़ा सोर्स। गांधी ने उसी पे चोट किया और उस चोट में ये भी शामिल था कि मुल्क का हर आदमी इस आंदोलन से शामिल हो गया, क्योंकि नमक हर आदमी का कंसर्न था। जैसे ही गांधी ने इसका फैसला किया और 12 मार्च 1930 को वो दांडी यात्रा पर निकले, जो करीब 250 मील दूर, साबरमती से 250 मील दूर समुद्र का किनारा था दांडी, वहाँ के लिए ये यात्रा शुरू हुई। 79 लोगों के साथ गांधी ने यात्रा शुरू की और गांधी की वो यात्रा काफ़ी चर्चित है, किसी बार हो सकता है हम लोग सिर्फ उसी की चर्चा करें। अभी हम ये माने कि गांधी उस जगह बहुत तेज़ी से गए और बहुत ही पॉपुलर हुआ, पूरा रास्ता भर रास्ते लोग उनसे जुड़ते गए, हर गांव में उनका स्वागत हुआ, गाना बजाना, ऐसे लगे कोई जश्न मनाने जा रहे हैं। और अंग्रेज़ों को भी लगता था कि ये नमक कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, तो इसलिए उन्होंने उनको जाने दिया। गांधी का संकल्प लेकिन बहुत बड़ा था, क्योंकि गांधी ये घोषणा करके चले थे कि एक साल में स्वराज हासिल करेंगे या फिर वापस नहीं आएंगे साबरमती आश्रम, जिस आश्रम को उन्होंने इतने मन से बनाया था उस आश्रम में वापस नहीं आएंगे। और गांधी सचमुच वापस नहीं गए, क्योंकि मुल्क आज़ाद नहीं हुआ तो साबरमती आश्रम उसके बाद ख़त्म कर देना है, होते होते फिर ये हुआ कि अच्छा ये हरिजन उद्धार के का जो कार्यक्रम चलेगा उसका मुख्यालय बना दिया जाए, तो वही मुख्यालय रहा। आज साबरमती अलग रंग रूप में है, लेकिन आंदोलन के समय वो उसी रंग रूप में था। तो गांधी जब पूरी यात्रा पे निकले तो इस यात्रा पे जाके उन
अंग्रेज़ों का तो बल्कि अफसरों का ये मजाक था, मोतीलाल जी को उन्होंने कहा कि गांधी 3 साल भी आंदोलन करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि नमक का रेवेन्यू हमारे लिए इतना बड़ा नहीं है। लेकिन हमने देखा कि गांधी की इस पदयात्रा ने मुल्क में जिस किस्म से आग लगाई, और जैसे ही नमक उन्होंने बनाया, 4 मई को उन्होंने नमक तो बनाया और एक मुट्ठी नमक उठा के इस कानून को तोड़ा, उस दिन मुल्क में आग लग गई सचमुच। इतने इलाकों में नमक बना और इस तरह से लोगों ने अंग्रेज़ी कानून का नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर से ले कर बिहार, बंगाल, दक्षिण, हर जगह नमक का आंदोलन जबरदस्त सफल हुआ। खुद गांधी का आंदोलन सफल हुआ उस दिन, और धरसाना एक जगह है जब गांधी गिरफ्तार हो गए, उसके बाद धरसाना वहाँ पासी में नमक का गोदाम था, उस पर हमला करके नमक निकालना था, और उसका नेतृत्व सरोजिनी नायडू को दिया गया था कि वो लेके जाएंगी लोगों को, और उन्होंने वो किया। वहाँ जाके पिटाई हुई इतनी, मिलर एक अमेरिकी रिपोर्टर है, मिल वेबर, उन्होंने उसकी रिपोर्टिंग की अमेरिकी अखबारों में और उससे दुनिया जानती है। हम सब ने भी उस दृश्य को एडनबरो वाली फिल्म में देखा है, और तब उसका असल असर दिखाई देता है कि गांधी के लोग कैसे ट्रेंड थे। पुलिस मार रही है डंडे से, सिर फूट रहा है, हाथ टूट रहा है, लेकिन एक भी आदमी का हाथ स्वाभाविक ढंग से भी ऊपर नहीं उठा। हम सब जानते हैं कि एक मक्खी आ जाए तो तुरंत हमारा हाथ ऑटोमेटिक उठ के आ जाता है मक्खी भगाने पे, लेकिन डंडा आ रहा है ये देख के भी किसी ने अपना हाथ नहीं उठाया। तो ये दृश्य अपने आप में बहुत ही डरावना और भयावह था, और कांग्रेसी कार्यकर्ता तैयार थे अपना सिर फुटाने के लिए, बाकी लोग इस बात के लिए तैयार थे कि उन घायलों को उठा के ले जाके अस्पताल ले जाया जाए। फिर रात में मिलर की रिपोर्ट वही है कि अस्पताल में क्या क्या दृश्य था, वो बहुत ही भयावह। लेकिन ये अकेले इसी जगह का मामला नहीं है, मुल्क में सब जगह इतनी पिटाई और इतनी सख्ती हुई है कि उसके किस्से रोंगटे खड़े करने वाले हैं। कई जगह मिल मजदूरों ने सोलापुर में तो फायरिंग हुई और 100 से ज़्यादा लोग मरे। बॉम्बे के मिल मजदूरों ने हड़ताल की। सबसे ज़्यादा मुश्किल हालत आई नॉर्थ वेस्ट में, जो खान अब्दुल गफ्फार खान का इलाका है, वहाँ के जब कबायली लोग निकले नमक इस पे, तो तोपों से गोली चलानी पड़ी, बंदूकों से नहीं गोली चलानी पड़ी, एयर ड्रॉपिंग करनी पड़ी बम की। और कुमाऊँ रेजिमेंट के लोगों को लगाया गया कि ये दूसरी जगह के लोग हैं, ये जाके गोली चलाएंगे। कुमाऊँ रेजिमेंट के जवानों ने बगावत कर दी, कहा कि हम निहत्थे लोगों पे गोली नहीं चलाएंगे, उनका कोर्ट मार्शल हुआ। इतने सारे मामले हैं और इतने सारे किस्से हैं दमन के। बिहार में भागलपुर के पास बहुत ही बुरी तरह पुलिस की पिटाई हुई। तो ये किस्से पूरे मुल्क में हैं, और अचानक लगा कि पूरा मुल्क जो है वो कैदखाना बन गया। 1 लाख से ज़्यादा लोग गिरफ्तार किए गए पूरे मुल्क में, ये जो मैं टैंक और हवाई अटैक की बात कर रहा हूँ उसके अलावा 1 लाख लोग गिरफ्तार किए गए। जेलों में जगह नहीं रही तो स्कूलों कॉलेजों में को बैरक बना के, जेल बना के लोगों को रखा गया। 20,000 महिलाएं गिरफ्तार हुई। दुनिया के किसी भी आंदोलन, किसी भी क्रांति में एक साथ 20,000 महिलाओं के गिरफ्तार होने का रिकॉर्ड नहीं है। हमारे इस आंदोलन में 1 साथ 20,000 महिलाओं ने गिरफ्तारी दी थी, और उस आंदोलन में भी ये महिलाओं के लिए भी मनाही थी कि जो महिला प्रेग्नेंट हो, जो लड़कोरी हो, जिसका बच्चा छोटा हो, उसको आंदोलन में नहीं आना है। इस मनाही के बावजूद बूढ़ी को नहीं आना है, बहुत बच्चे, कम उम्र के लोगों को, तो औरत मर्द सबको मनाही थी। इसके बाद 1 लाख से ज़्यादा लोग गिरफ्तार हुए, इतनी औरतें आईं आंदोलन में, और जगह जगह सरकार का चक्का जाम हो गया। इस आंदोलन ने पहली बार ये साबित कर दिया कि अब हम गुलाम नहीं रह सकते, और अगर मुल्क खड़ा हो जाएगा तो कोई ताकत हमको गुलाम नहीं बना सकती। लेकिन ये भी याद रखने की बात है कि उसके बाद सिर्फ नेताओं की गिरफ्तारी और पिटाई और इतना ही नहीं हुआ, उसके बाद से ही अंग्रेज़ी हुकूमत ने जितनी चालें उसकी हैं मुल्क को बांटने वाली, ये सारी चालें उसके बाद शुरू हुई हैं। कांग्रेस के अंदर सत्ता की लड़ाई शुरू हुई है उसी आंदोलन के बाद, क्योंकि कांग्रेसियों को भी ये लग गया कि सत्ता हाथ आने वाली है, तो उनके दांव पेंच भी वहीं से शुरू हो गए। मुर्दा पड़ी मुस्लिम लीग भी जिंदा हो गई क्योंकि उसको अंग्रेज़ों ने
खुराक देनी शुरू कर दी कि ये एक उनके हाथ में हथियार होगा। इसी किस्म से किसानों के नाम पे जो जमींदार खड़े थे उनको तब अंग्रेजी हुकूमत से मदद मिलनी शुरू हो गई। इसी तरह से कम्युनिस्ट लोग, संघ के लोग, ये जितनी धाराएं अलग अलग हो सकती थी कांग्रेस से, सबका लाइफ उसके बाद अचानक जिंदा होता दिखाई दे रहा है। और सब के पीछे आप देखेंगे तो आपको अंग्रेज़ी हुकूमत, लेकिन सबसे ज़्यादा अंग्रेज़ों ने तब जो मेहनत की है वो खुद कांग्रेस के अंदर की है। और गांधी और गांधी विरोधियों के बीच बंटवारा हो इसकी कोशिश की। और एक नतीजा हम बहुत साफ देखते हैं कि 34 आते आते गांधी ने खुद अपनी सदस्यता छोड़ दी। गांधी उसके बाद से कांग्रेस के 54 सदस्य नहीं थे, लेकिन गांधी कितने बड़े नेता थे, कितनी बड़ी सोच से काम करते थे, ये भी साफ दिखाई देता है कि गांधी ने कांग्रेस की सदस्यता छोड़ी, कांग्रेस को नहीं छोड़ा, और कांग्रेस ने भी और मुल्क ने भी गांधी को नहीं छोड़ा। उसके बाद भी लगातार गांधी कांग्रेस का नेतृत्व करते रहे, हर बात में सलाह देते रहे, और एक तरह से उन्हीं की बात फाइनल होती थी। इसके बावजूद जो बंटवारे शुरू हुए थे उस समय तक, उनको ज़्यादा दिन नहीं लगा कांग्रेस के अंदर तोड़फोड़ करने में और बाकी ताकतों को आंदोलन के खिलाफ लगाने में। 42 का किस्सा जब हम सुनेंगे तब आपको और ज़्यादा सफाई से ये बात समझ में आएगी कि अंग्रेज़ी हुकूमत क्या करती रही और मुल्क क्या करता रहा। आज की कहानी बस इतनी, अगली बार फिर हम एक नई कहानी के साथ आएंगे। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा यूट्यूब चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए।